वेलकम टू गामा केवे क्लासेस। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, यानी थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर्स में कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, कौन से हमारे फॉर्मूलेज यूज होंगे, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें थ्री डी में प्रॉब्लम ये होती है, पहली तो प्रॉब्लम हमें ये होती है जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या करते हैं, टू डी में डिस्कस करते हैं, और बाकी हम उसको लेट कर लेते हैं किसमें, थ्री डी में। यानी हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं अगर हम ब्लैक बोर्ड में अगर आपको समझाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा टू डी फिगर होगा। अब हम क्या करते हैं, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारा क्या होगा, थ्री डी फिगर होगा। तो पहले तो हमें उसको क्रिएट करने यानी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। फिर अब दूसरी प्रॉब्लम हमें ये आती है इस चैप्टर्स में कि हमारे इसमें कुछ फॉर्मूलेस ज़्यादा होते हैं, फॉर्मूले मेरे ज़्यादा नहीं होते हैं। क्या होता है कि हमारे जो 10 अगर 10 क्वेश्चंस हैं, 10 फॉर्मूलेज हैं, तो उसके हमारे कुछ अलग फॉर्म होती हैं। यदि हमारे ए फॉर्मूले की दो फॉर्म होती हैं तो कुछ इसमें भी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स की कि उसमें फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं। अभी जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो भाई इजली से हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको हम फॉर्मूला आपको बता देंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न है तो क्वेश्चन अपने मन से करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना होगा, आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे, अच्छे से टॉपिक को समझना होगा, और समझने के लिए क्या करना होगा, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा एंड आपको स्किप नहीं करना होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री की। ठीक है, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हमारे फॉर्मूला आते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज पहले हम डिस्कस करते हैं, सपोज अगर कोई मेरी एक लाइन है, ये इसका पॉइंट ए है, एक को पॉइंट बी है। ठीक है, इसमें हमारा कोई एक लाइन है जिसमें हमने ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं। ए कोऑर्डिनेट बेटा हम लेट कर लेते हैं क्या, एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। ठीक, हमने क्या किया, ए कोऑर्डिनेट को बेटा लेट कर लिया एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। अब हम बी कोऑर्डिनेट को लेट कर लेते हैं एस टू वाई टू एंड जेड टू। हमने क्या किए, ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट लेट कर लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब अगर हम तुमसे पूछें क्या ए बी वेक्टर, क्या हमने पूछा बेटा आपसे ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या बताओगे तुम बेटा, एस टू माइनस एक्स वन एंड आई कैप, क्योंकि ए बी वेक्टर जब हम पूछेंगे तो हमारा आई के कोफिशियंट क्या होंगे, एस टू माइनस एक्स वन। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, y2 टू माइनस वाई वन में j कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन में k कैप। ये हमारे क्या हो गया, ए बी वैक्टर आ गया। क्या आ गया बेटा, ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर निकालने के लिए i का कोफिशियंट क्या होगा मेरा, s2 टू माइनस एक्स वन एंड j का क्या होगा, y2 टू माइनस वाई वन एंड k का कोफिशियंट z2 टू माइनस जेड वन। चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम इसमें जगह तुमसे बात करें कि इसकी डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की। ए बी का मैग्नीट्यूड बेटा हमारा क्या आ जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, रूट में क्या होगा, रूट में आई का कोफिशियंट जो होगा उसका स्क्वायर, यानी क्या होगा, एस टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमारा किसका कोफिशियंट हो गया बेटा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला है, यानी जो i का कोफिशियंट होगा उसका स्क्वायर होगा, जो b का कोफिशियंट होगा वो इसका स्क्वायर होगा, एंड हमारा जो k का कोफिशियंट होगा यानी z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होगा। चीज़ क्लियर हो गई। तो ये जब मेरा मैग्नीट्यूड निकला है तो ये हमारा क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। क्या हो गया बेटा, ये डिस्टेंस, ये हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ठीक है, अब हमें जब डायरेक्शन रेशियो की बात होगी तो हम किससे डिनोट करेंगे, अभी तक हम एक्स वाई जेड कुछ भी हम लेट कर लेते थे, अब हम जब डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो क्या होगा, ए होगा बी होगा एंड सी होगा। क्या होगा, ए होगा बी होगा एंड सी होगा। अब हम जो रेशियो लेट करेंगे यानी डायरेक्शन रेशियो होंगे वो हमारे क्या होंगे, ए बी एंड सी, यानी स्मॉल ए
स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, चीज क्लियर। अब हम इसमें बात करें, अगर ये दो पॉइंटों में इसमें हम एस यानी ए निकाल लें, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स होगा यानी क्या होगा, एक्स वन एस टू माइनस एक्स वन होगा, यानी ए क्या होगा, ए का जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा, एच टू माइनस एक्स वन, यानी अगर ए हमें चाहिए तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो सेकंड पॉइंट है उसका एक्स वाला एंड जो फर्स्ट पॉइंट है यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसका हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन, इसी तरह हम करेंगे जेड टू माइनस जेड वन, चीज़ क्लियर हो गई, यानी ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई। अब देखो हमने ए के प्लेस में क्या लिखा, एच टू माइनस एक्स वन, बी के प्लेस में वाई टू माइनस वाई वन, सी के प्लेस में जेड टू माइनस जेड वन, तो इसी तरह हमारे डिस्टेंस का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी ए बी वेक्टर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह भी हो जाएगा, यानी ए का स्क्वायर हम लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर हो सकता है, क्यों, अगर हमें क्या दिए हुए हैं, कोई रेशियो दिए हुए हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं, यानी अगर ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, हमें रेशियो दिए हैं, तब भी हम क्या करेंगे, उसकी डिस्टेंस को निकाल लेंगे, चीज़ क्लियर हो गई। फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन की, तो डायरेक्शन कोसाइन मेरे कौन कौन से होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन बेटा हमारे कौन कौन से होंगे, देखो पहले हम इसको डिनोट करेंगे एल एम और एन से, किससे करेंगे, एल एम और एन से करेंगे, चीज क्लियर हो गई। हमने क्या किया हुआ था, हमने निकाला था एक्स इज इक्वल एल इज इक्वल टू एस टू माइनस एक्स वन, ये तो भी लास्ट में निकाला था, बी इज इक्वल टू निकाला था वाई टू माइनस वाई वन, एंड सी इज इक्वल टू निकाला था जेड टू माइनस का जेड वन, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, कोई लाइन वो क्या थी, वो हमारे पॉइंट थे ए बी, ठीक है, एच टू वाई टू एंड जेड टू, ठीक है, एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, ठीक है। अब हमारा जो ए बी से पॉइंट लाइन थी उनके बीच के जो कोऑर्डिनेट थे एक पॉइंट के वो क्या थे, एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, एंड बी के क्या थे, एस टू एंड वाई टू एंड जेड टू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन का जो रूल होता है वो ये होता है, जो हमारा कोई स्केलर यानी स्केलर का हम क्या करें, उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हमारा कोई स्केलर वेक्टर दिया है उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या करें, डिवाइड कर दें, यानी कहने का मीन्स है ए अपॉन क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू हो जाएगी क्या, बी अपॉन रूट में बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूले हो जाएंगे, यानी हमारा जो एल इक्वल टू निकल के आएगा ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, एंड एम इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा मेरा क्या, बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मीन्स है जो हमारे स्केलर्स क्वांटिटीज होंगी उनके हमारे मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल एल निकल के आएगा, फिर हमारा एम निकल के आएगा, फिर एन निकल के आएगा। अब तो ये बात हो गई, अगर हमें कोई सपोज डायरेक्शन रेशियो दिए हैं और कह रहा है कि हमें निकालना क्या है, एंगल निकालना है, तो बेटा एंगल जो हमारा बनाएगा, सपोज अगर हमारा कोई फिगर ऐसा है, ठीक है, ये कोई हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारा कोई y एक्सिस है, ये हमारा कोई z एक्सिस है, अब इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो अल्फा बनेगा, इनके बीच में बीटा बनेगा, ठीक है, इस तरह वगैरह वगैरह एंगल्स बनेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा बनेंगे, क्या बनेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, यानी हमारे ये थ्री एंगल्स बनेंगे, वो आपस में जो एंगल क्रिएट करेंगे वो क्या बनेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, कोसाइन की बात हो रही थी, यानी क्या होगा, कॉस
अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या मेरा ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आया समझ में? अब हम बात करेंगे कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब हमें क्या निकालना हो बेटा, एंगल निकालना हो, तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी हमारा कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई? यानी हमने क्या बताया, जो एंगल हमारे बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा बनाएंगे। किसमें? पॉजिटिव एक्सिस में। जब हमारे जब पॉजिटिव एक्सिस में अल्फा बीटा गामा बनाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी क्या आएगी ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। ठीक है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आगे हम करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन की कम्प्लीटली बात करते हैं कि इफ हमारे जो दो वेक्टर्स या फिर दो लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच रिलेशन क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे इफ टू लाइंस या फिर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर के बीच का जो रिलेशन होगा वो हमारा क्या होगा। देखो बेटा, जो हमारा या फिर दो वेक्टर होंगे या फिर दो लाइंस होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो उनके बीच रिलेशन क्या क्रिएट होगा वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सपोज कोई एक लाइन है, यानी ए वेक्टर दिया हुआ है ए वन आई बी वन जे बी सी सी वन के। ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ है कोई मेरा ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के। ठीक है, इफ हमारा कोई बी वेक्टर दिया हुआ है कितना ए टू जे सॉरी ए टू आई प्लस बी टू आई सॉरी जे प्लस बी थ्री के। हमारे दो वेक्टर ए एंड बी दिए हुए हैं और कह रहा है कि उनके बीच पेपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होगा वो बताना है। तो हमारे जब रिलेशन की बात होगी, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, क्या करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो उन्हीं पे क्या है, पेपेंडिकुलर है, तो पेपेंडिकुलर होगा मीन्स हमारा कुछ इस तरह बनेगा। यानी कोई हमारा सपोज ए वेक्टर ये है और कोई हमारा बी वेक्टर ये है, आपस में पेपेंडिकुलर है, एंगल बनाएंगे थीटा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 बनाएंगे। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 बनाएंगे, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू होगी हमारी कितनी, जीरो। कितनी होगी, जीरो होगी। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि हमारे कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो के इक्वल में होती है। सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था किसके, कॉस जीरो की वैल्यू, बट कॉस 90, क्योंकि एंगल कितना बनना है बेटा, 90 बनना है, तो कॉस 90 वैल्यू होती है जीरो के इक्वल में। यानी हम ए वेक्टर बी वेक्टर को डॉट करें क्या आएगा, यानी ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के एंड डॉट बी वेक्टर क्या है ए टू आई प्लस बी टू जे बी थ्री के। यह समझ में? अब हम जब डॉट करेंगे तो i वाले जो हमें कोफिशियंट होंगे वही बचेंगे, क्योंकि बाकी वाले क्या होंगे, वो जीरो के इक्वल में हो जाएंगे। यानी हमारा a1 के साथ क्या होगा, a2 का होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, b1 का b2 के साथ होगा, c1 का c2 के साथ होगा, यहाँ पे सॉरी मेरा कितना होगा c2 होगा, c1 का c2 के साथ होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो के इक्वल में होगी। यानी हमारा रिलेशन क्या बन के आया, इफ अगर हमारे दो वेक्टर आपस में, दो वेक्टर या फिर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ए वन डॉट ए वन डॉट ए टू प्लस मल्टी प्लस बी वन डॉट बी टू प्लस सी वन डॉट सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ समझ में आ गई।
अब हम बात करेंगे ये जगह पैरेलल हो। जब हमारे जब पैरेलल हो यानी ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर की, या फिर हम क्या कह सकते हैं कोलीनियर वेक्टर है, क्या कह सकते हैं कोलीनियर वेक्टर। तो जब इस कंडीशन को बात करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या बन के आएगा, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू। कैसे, क्योंकि हम क्या करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे। तो जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या बन के आएगा, जीरो डिग्री। क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब हमारे दो वेक्टर या दो फिर लाइंस आपस में क्या है कोलिनियर है या फिर पैरेलल हैं तो एंगल जो बनेगा वो हमारा जीरो डिग्री का बनेगा। तो साइन जीरो की वैल्यू होगी किसके इक्वल में, हमारे जीरो के इक्वल में, यानी साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी। तो हमारा ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंग क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो डायरेक्टली मैंने लिख दिया हुआ है क्या, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो ये फॉर्मूलेस आपको अच्छे समझ में है। अब हमारी बात आती है कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो एक्सरसाइज के हम फर्स्ट क्वेश्चन अब बात करेंगे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो बेटा हमारी किसकी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे क्या बना रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने क्या बताया था, अगर हमारा अल्फा बीटा एंड गामा, हमने क्या बताया था अल्फा बीटा एंड गामा किस एक्सिस में बना रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल्स बना रहे हैं, कितना अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो बेटा हमारा क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 60 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना 30 डिग्री, आया समझ में। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं किसका, कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा, तो यानी कॉस अल्फा की वैल्यू यानी 90 डिग्री, यानी कॉस जीरो कॉस 90 की वैल्यू जो होगी वो जीरो के इक्वल में होगी, किसके इक्वल में होगी जीरो के। अब इसी तरह हमारा कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 60 के, किसके होगा कॉस 60 के। तो कॉस 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2, यानी क्या आ जाएगा 1/2, आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हम आ जाएगा कॉस गामा, कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी मेरी कितनी कॉस 30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा मेरा एंगल जो आएगा वो कितना आएगा 1/√3/2, यानी कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये हमारे क्या हो गए डायरेक्शन रेशियो हो गए, कोशाइंस हो गए, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर हमें सपोज हमें क्वेश्चन दिया होता कि हमें क्या करना है, दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसकी हमें डायरेक्शन बतानी है, तो वो क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे। तो हमने क्या किया, उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। तो बेटा आपको वो फॉर्मूला का यूज़ करना है जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, वो कौन सा फॉर्मूला, रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करेंगे तो अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स यानी दो पॉइंट दिए हुए हैं उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है यानी दूरी बतानी है तो क्या करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, आया समझ में। अब हम बात करेंगे अगले सेकेंड क्वेश्चन की। अब सेकेंड क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 2, -1 टू डिटरमाइन इज द डायरेक्शन कोसाइन, हमें क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन हमें अगर निकालने के लिए क्या चाहता होता है कि या तो फिर हमें रेशियो दिए हो किसके, जो हमारे बीच में रेशियो बनना हो। तो रेशियो हमें दिए हुए यानी रेशियो कितना दिया हुआ है मेरा, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, बी इज इक्वल टू दिया है -1 एंड सी इज इक्वल टू दिया हमारा 2, ठीक है। यानी हमारे जो लाइंस है उसके रेशियो दिए हुए हैं, डायरेक्शन रेशियो दिए हैं कितने मेरे, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू 2।
तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो बेटा हम डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू लगा देंगे कितना फॉर्मूला, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की। इसी तरह निकाल लेंगे क्या, एक वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, टू, रूट में ए की वैल्यू कितनी दी है, टू, टू का स्क्वायर कितना होगा बेटा, फोर होगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा मेरा, प्लस का वन, प्लस ये हमारा कितना होगा, प्लस का टू, प्लस का फोर, आया समझ में। यानी हमारा क्या हो जाएगा, टू अपॉन ये नाइन आएगा, कितना आएगा, टू अपॉन नाइन, यानी क्या आएगा, टू अपॉन थ्री। यानी हमारा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू अपॉन थ्री। ये क्या आ गया मेरा, डायरेक्शन कोसाइन, आया समझ में। इसी तरह हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, एम की वैल्यू निकालेंगे। तो एम की वैल्यू में क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का वन अपॉन, अपॉन में क्या होगा हमारा इसी मैग्नीट्यूड, यानी हमारा क्या होगा, रूट में, इतना हम करेंगे तो मेरा वही आएगा, यानी क्या आएगा, थ्री आएगा, आया समझ में। इसी तरह निकालेंगे किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू। तो एन की में क्या हो जाएगा मेरा, क्या होगा, सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है, थ्री के इक्वल में, यानी सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, टू, ए टू अपॉन थ्री। यानी हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए, एल इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, एंड एम इज इक्वल टू आई माइनस का वन अपॉन थ्री, एंड एन इज इक्वल टू आई टू अपॉन थ्री, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स माइनस टू फोर कॉमा माइनस फाइव एंड वन कॉमा टू कॉमा थ्री। अगर हमारे दो पॉइंट क्या हैं, पासिंग थ्रू हो रहे हैं, उनका हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, तो क्वेश्चन को बड़ा इजीली से पहले हम समझेंगे। पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें कोई दो पॉइंट दिए, तो हमने क्या बताया था, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए यानी ए निकालने के लिए हम क्या करते थे, एस टू माइनस एक्स वन करते थे। अभी हमने लास्ट में आपको सिखाया कि हमने क्या किया, ए निकालने के लिए एस टू माइनस एक्स वन का फॉर्मूला यूज़ किया, यानी ए इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, ए कैसे निकलेगा, एस टू माइनस एक्स वन। अगर हमारे दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, पासिंग थ्रू हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एस टू माइनस एक्स वन करेंगे, ठीक है। इसी तरह बी की वैल्यू बताई थी हमने वाई टू माइनस वाई वन, सी की वैल्यू बताई थी क्या, जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड वन, आया समझ में। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। अब हम बात करेंगे ए की, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना होगा, एस टू होगा यानी वन माइनस, अब हमारा ये कितना है, माइनस का टू, तो यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का टू, यानी क्या आ जाएगा मेरा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे क्या, बी यानी क्या होगा, टू माइनस फोर यानी माइनस का टू, आया समझ में। इसी तरह हम बेटा क्या निकालेंगे, जेड टू की वैल्यू क्या होगी, थ्री माइनस ये हो जाएगा प्लस का फाइव, क्योंकि यहाँ पे मेरा कितना दिया हुआ है, माइनस का फाइव, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज क्या होगा यहाँ पे, माइनस, तो यानी होगा थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एट, क्या होगा, इज इक्वल टू एट, आया समझ में। तो यानी ए बी एंड सी की वैल्यू हमारी यह थ्री माइनस टू एंड एट आ गई। अब हमें कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, यानी डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस अल्फा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, एल बोल सकते हैं। यानी फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, थ्री अपॉन रूट में ए की वैल्यू क्या होगी, नाइन, थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन होगा, एंड बी की वैल्यू यानी फोर, इसका क्या हो जाएगा, सिक्सटी फोर, आया समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसको जब हम प्लस करेंगे यानी क्या आ जाएगा, थ्री अपॉन रूट में इसको जब हम प्लस करेंगे, सिक्सटी एट प्लस नाइन कितना होगा, सिक्सटी एट प्लस नाइन, यानी आ जाएगा फाइनली मेरा थ्री अपॉन रूट में एट में नाइन प्लस करेंगे कितना होगा, सेवनटीन होगा, कितना होगा, सेवनटीन होगा, यानी कितना हो जाएगा, सेवेंटी सेवन। तो ये तो बेटा मेरा रूट निकलेगा नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। अब हमारी आ जाएगी किसकी वैल्यू, वैल्यू एम की, यानी कॉस बीटा,
क्या हो जाएगा, बी अपॉन यानी माइनस का 2 अपॉन रूट 77। ठीक है, इसी तरह हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, एन की। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस गामा, यानी क्या हो जाएगी, 8 अपॉन रूट में 77। ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग डायरेक्शन रेशियो सो दैट द पॉइंट ए दिया हुआ है, कोई ए कोऑर्डिनेट, कोई बी कोऑर्डिनेट, कोई सी कोऑर्डिनेट दिया है और कह रहा है कि आर कोलीनियस होंगे। क्या होंगे, कोलीनियस यानी समरेख होंगे। तो इस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें यूज करना है डायरेक्शन रेशियो का। किसका यूज करना है, डायरेक्शन रेशियो का। अगर बेटा हम तुमसे ए एंड बी पॉइंट की डायरेक्शन रेशियो पूछें तो तुम बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, अगर हम ए की बात करें तो एच टू माइनस एक्स वन होता है। क्या होगा, एच टू की वैल्यू क्या है मेरी, 1 एंड एक्स वन की 2, यानी क्या आएगा, माइनस का 1। आया समझ में। इसी तरह बी की बात करें तो बी क्या होगा, वाई टू माइनस का वाई वन, यानी क्या होगा मेरा, माइनस 2 एंड माइनस का 3, यानी क्या होगा, माइनस का 5। सी की बात करें क्या होगा मेरा, 3 एंड प्लस का 4, यानी क्या होगा, 7। आया समझ में। इतनी भी क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी। अब हम इसकी बात करें किसकी, बीसी की, बीसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो तो बीसी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा यानी ए की वैल्यू होगी वो होगी 3 माइनस का 1, यानी क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। एंड बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8 माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कितना लगा है, माइनस का 2। तो यहाँ पे हम जब आएंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी क्या आएगा, प्लस का 10 आएगा। अब हमारी बात होगी सी की, तो यानी सी होगा माइनस का 11 एंड यहाँ पे होगा कितना, माइनस का 3, यानी कितना होगा, माइनस का 14। आया समझ में। अब हम इसी तरह बात करें किसकी, सी टू ए वे डायरेक्शन की, यानी सी टू डायरेक्शन रेशियो, जो हमारे C टू A डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, A इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, 2 माइनस का 3 यानी माइनस का 1। B इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, B इज इक्वल टू होगा मेरा 8 C टू माइनस, यानी क्या होगा, 8 3 माइनस का 8 यानी क्या होगा मेरा, माइनस का 5। एंड C इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, माइनस का 4 प्लस का 11, यानी क्या आएगा मेरा, कितना आएगा यहाँ पे, 7। किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो अब हम क्या करें, जो हमारे डे रेशियो आ रहे हैं वो लगभग सेम आ रहे हैं, केवल हमारा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का, यानी प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। अगर हम ए बी वेक्टर एंड किसकी बात करें, सी ए वेक्टर की, तो वो हमारे डायरेक्शन रेशियो क्या है, इक्वल है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, इक्वल है, यानी ए बी डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू सी ए डायरेक्शन रेशियो। तो हैंस proved that point are collinear। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, जो हमारे गिवेन और पॉइंट्स हैं, दैट पॉइंट्स हैं, वो हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हमने ये प्रूव कर दिया, अगर हमारे किन्हीं दो यानी ए बी, अगर हमें ए बी सी कोई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हम ए बी का निकालते हैं क्या डायरेक्शन रेशियो, बी सी का निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड सी ए का। अगर हमारे कोई भी दो हमारे डायरेक्शन रेशियो सेम है यानी इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे कि गिवेन आवर पॉइंट्स इज कोलिनियर्स। फ्रेंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन
ऑफ द साइड ट्रेंगल हुज वेक्टर्स आर 3, -5, -4 एंड बी पॉइंट दिया है कोई -1, -1 एंड 2, ठीक है, कोई सी दिया है -5, -5 एंड -2, ठीक है। हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, किसके, ट्रेंगल के दिए हैं। तो पहले मेरे ट्रेंगल आपको अच्छे से बना के समझा देते हैं। अगर हमारा कोई ट्रेंगल ये है ए बी एंड सी, ठीक है, इसके ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं कितने, 3, -5, -4। अगर हमें बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, -1 एंड 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -5, -5 एंड -2, ठीक है। यानी हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट गिवेन आउट हैं ट्रायंगल्स में। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हो, हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक हमारा ये फॉर्मूला होता है पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू होता है H2 - X1 upon mod of PQ वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, -Y1 upon Z2 - Z1 upon mod of PQ, ठीक है। ये फॉर्मूले से आप इंट्रोड्यूस होंगे, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अगर हम ए बी की बात करें, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर में हमारा ये क्या हो जाएगा, X1, Y1 एंड Z1, यहां पे हो जाएगा S2, Y2 एंड Z2। ये चीज क्लियर हो गई। हमारे क्या हुए, X1, Y1, Z1, S2, Y2, Z2, आया चीज क्लियर में। तो हमारा फॉर्मूला ए बी वेक्टर में क्या हो जाएगा, X2 - X1, यानी X2 क्या है -1 एंड वो क्या है मेरा X1 यानी -3, आया समझ में। अब हमारी बात होगी किसकी, ए मॉड ऑफ ए बी की, मॉड ऑफ ए बी में बाद में निकालता हूँ, ठीक है, कॉमा। अब हम बात करेंगे किसकी, Y2 - Y1, यानी क्या होगा, 1 - 5 upon AB mod of, आया समझ में, ये हमारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे Z2 - Z1 क्या होगा, 2 - +4 upon mod of AB, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, इसमें, यानी इसको -4 upon mod of AB लिखेंगे, क्या लिखेंगे, mod of AB, कॉमा, इसको हम लिखेंगे -4 upon mod of AB, कॉमा, इसको हम लिखेंगे कितना, 6 upon mod of AB, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम मॉड ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ रूट में इसका स्क्वायर यानी क्या होगा, 16 प्लस इसका स्क्वायर यानी 16 प्लस का 36, आया समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसका रूट निकालें, तो हमारा इसको जो प्लस करेंगे तो मेरा बनेगा लगभग ये 2√17, जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 2√17, ये चीज़ क्लियर है। इसको जो हम प्लस माइनस करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, तो क्या आएगा, 2√17, आया समझ में। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा -4 upon 2√17 एंड 6 upon 2√17, इससे हमें डिवाइड करेंगे 3, 2, 2, ठीक है, यानी आएगा फाइनली 2 upon √17 एंड -2 upon √17 एंड 3 upon 17, ये हमारे किसके आ गए, ए बी के आ गए। इसी तरह हम निकालेंगे किसके, बी सी के, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, अब मैं डायरेक्टली थोड़ा करता हूँ, बी सी में क्या करूँगा, ये हमारा क्या होगा, अब हो जाएगा ये हमारा, जब हम बी सी की बात करेंगे तो X1, Y1, Z1, ये हो जाएगा X2, Y2, Z2, आया समझ में। अब हम H2 की बात करें, यानी क्या होगा, -5, -5 + 1 upon, ठीक है। अब हम पहले इसमें बात करेंगे मॉड ऑफ बी सी की,
बाद में मोड ऑफ बी सी निकालते हैं, जैसे हमने इसमें निकाला था वैसे इसमें निकाल लेंगे, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड कॉमा, अब हम बात करेंगे किसकी, वाई टू माइनस फाइव माइनस वन अपॉन मोड ऑफ बी सी कॉमा। अब हम बात करेंगे जेड टू यानी माइनस का टू, माइनस का टू अपॉन मोड ऑफ बी सी। अब हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा माइनस का फोर, क्या बनेगा माइनस का फोर, एंड ये बनेगा मेरा कितना बी सी, ये बनेगा माइनस का सिक्स अपॉन मॉड ऑफ बी सी कॉमा, ये बनेगा माइनस का फोर अपॉन मॉड ऑफ बी सी। ठीक है, जब हम इसका भी रूट निकालेंगे यानी बी सी का निकालेंगे, मॉड ऑफ बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे फोर का स्क्वायर यानी सिक्सटीन प्लस सिक्स का स्क्वायर यानी थर्टी सिक्स प्लस फोर का स्क्वायर यानी कितना आएगा मेरा सिक्सटीन, तो यानी फाइनली ये भी मेरा कितना आ जाएगा टू रूट सेवेंटीन। आया समझ में, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी बेटा। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें वैल्यू को रखेंगे यानी बी सी की, यानी माइनस फोर अपॉन कितना हो जाएगा मेरा टू रूट सेवेंटीन कॉमा, ये हो जाएगा मेरा माइनस सिक्स अपॉन रूट टू रूट सेवेंटीन, एंड ये हो गया माइनस फोर अपॉन टू रूट सेवेंटीन। तो यानी अब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा क्या टू से डिवाइड होगा यानी आएगा माइनस का टू अपॉन रूट सेवेंटीन कॉमा, ये आएगा मेरा माइनस का थ्री अपॉन रूट सेवेंटीन, एंड ये आएगा मेरा कितना माइनस का टू अपॉन रूट सेवेंटीन। ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो बी सी का कोऑर्डिनेट निकल के आया यानी डायरेक्शन रेशियो निकल के आया माइनस टू अपॉन सेवेंटीन, माइनस थ्री अपॉन सेवेंटीन, माइनस का टू अपॉन सेवेंटीन। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, सी ए की, तो यानी सी ए क्या हो जाएगा मेरा, सी ए भी मेरा हो जाएगा, अब ये हमारा कितना हो जाएगा एक्स वन वाई वन जेड वन, एंड ये क्या हो जाएगा एस टू वाई टू एंड जेड टू। ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि आपको ये कैसे कहिए, क्योंकि हमारा सी ए निकालना है तो सी ए में क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा एक्स वन मान लें, इसको मान लें, एस टू मान लें, बात एक ही है। यानी क्या हुआ, माइनस का फाइव, माइनस का फाइव सॉरी माइनस प्लस का थ्री प्लस का फाइव अपॉन मॉड ऑफ सी ए कॉमा। अब हमारा हुआ यहाँ पे कितना, फाइव प्लस का फाइव अपॉन सी ए। ठीक है, अब मेरा क्या होगा यहाँ पे, माइनस फोर माइनस प्लस का टू अपॉन सी ए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा, एट अपॉन सी ए, एंड ये आएगा मेरा टेन अपॉन सी ए, एंड ये आएगा मेरा माइनस का टू अपॉन सी ए। आया कि नहीं आया समझ में, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें मॉड ऑफ सी ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, वही करना होगा, रूट में एट का स्क्वायर यानी सिक्सटी फोर, टेन का स्क्वायर यानी हंड्रेड प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा फोर, यानी आ जाएगा मेरा फाइनली आएगा टू रूट में फोर्टी टू। ये आप सॉल्व करके निकालेंगे तो यही आएगा टू रूट 42। ये चीज़ क्लियर है, मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख लिया कि हमने ये पता है, मैंने क्वेश्चन ये किया हुआ है तो मेरे को लर्न हो गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें वैल्यू रखने की, क्या आएगा 8 अपॉन टू रूट 42 एंड 10 अपॉन टू रूट 42 एंड माइनस टू अपॉन रूट का 42। आया समझ में, तो ये हमारे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड हुआ 5 आया, ये हुआ फोर, तो यानी फाइनली आ गया मेरा फोर अपॉन रूट में 42 एंड फाइव अपॉन रूट में 42 एंड माइनस का वन अपॉन रूट में, ये हमारा दैट इज आंसर्स हुए। ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमारे जो डायरेक्शन रेशियो हुए वो कौन से हुए, वो आपको क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आया, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट
नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्लियर करेंगे, यानी ये क्वेश्चन जितने भी अभी तक मैंने क्लियर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है मेरा, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विथ डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू 1-2,1 एंड 4, 3 एंड 2। चीज़ क्लियर हो गई, यानी हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हैं और कह रहा है कि उनके बीच में एंगल कितना बनेगा वो फाइंड आउट करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, देन हम क्या करेंगे इसमें एंगल्स बता लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं, यानी हमारा ये दिया क्या गया हुआ है, L1, M1 N21, L2, M2, N2। आया समझ में? तो L1, M1 कितना दिया है, 1-2 and 1। L2 दिया है 4, M2 दिया है 3 एंड ये क्या दिया हुआ है N2, 2। आया समझ में? यहाँ तक आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू L1, L2, M1, M2, N1, N2 अपॉन रूट में L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर। नेक्स्ट रूट में हमारा क्या हो जाएगा, L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। आया समझ में? अब हमारी L1 L2 की वैल्यू क्या है, 1 × 4 प्लस M1 की वैल्यू है -2 × 3 प्लस N1 की वैल्यू है 1 × 2। आया समझ में? अपॉन में हमारा ये हो जाएगा कितना, L1 की वैल्यू है कितनी, 1, 4 प्लस 1। आया समझ में? क्योंकि जब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी तरह मेरा इसमें होगा, यानी 16 + 9 + 4। आया समझ में? यानी फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा कितना, 4 माइनस का आएगा क्या 6 एंड प्लस का 2। आया समझ में? ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 एंड ये हो जाएगा रूट में 5 एंड 6। ये हमारा कितना हो जाएगा, 20, 29। इसको जब हम प्लस करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, माइनस का आएगा हमारा ये 6 अपॉन आएगा रूट में 6 रूट में 29। आया समझ में? चीज क्लियर हो गई। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल में, यानी आएगा मेरा कॉस थीटा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू अगर पूछें बेटा तो हमारी कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो हम बताएंगे इसकी 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया π/2, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज का अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मैं 10 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो बीच के क्वेश्चन हैं वो मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि जैसे हमने 6 नंबर क्वेश्चन कराया उसी तरह मेरा क्या होगा, 7 नंबर 8 नंबर एंड 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमने पहले क्लियर करा दिया है, ठीक है, कोलिनियस वाला। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन अपनी स्टडी कॉपी पे खुद करने, यानी सेल्फ स्टडी में करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के 10 नंबर क्वेश्चन की। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट द लाइन थ्रो पॉइंट 4, 7, 8 एंड 2, 3, 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रो द पॉइंट्स -1, -2 एंड 1, 2, 5, ठीक है। ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब हम बात करेंगे कि ये हमारे क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए पहले हम इसको कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए एंड बी, यानी ए क्या है 4, ये हमने क्या किया बेटा, लेट किया है 4, 7, 8। आया समझ में? एंड बी क्या लेट कर लिया, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एंड इसी तरह हमने इसको लेट कर लिया सी, यानी क्या हुआ -1
टू माइनस का एंड वन, ठीक है। एंड डी की बात करें तो क्या होगा, वन कॉमा टू कॉमा फाइव। आया समझ में? यहां तक आपको कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। अब हम ए बी की बात करें तो ए बी की ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर में क्या होगा, हम अगर ए बी की क्या पूछें, रेशियो पूछें, यानी क्या होगा, एच टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन निकालें एंड जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो एच टू माइनस एक्स वन क्या होगा मेरा, माइनस टू माइनस फोर आई कैप, इसी तरह होगा कितना, थ्री माइनस का सेवन जे कैप, एंड ये होगा मेरा कितना, फोर माइनस का एट के कैप। तो फाइनली मेरा निकल के आया माइनस का टू आई कैप माइनस माइनस का आएगा मेरा कितना, फोर जे कैप माइनस, ये हमारा कितना निकल के आएगा, माइनस का फोर के कैप। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब हमारा क्या होगा, ए बी निकल आया, अब हम क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इज इक्वल टू, अब हमारा होगा सी डी में एच टू माइनस एक्स वन यानी वन माइनस प्लस वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, एंड आई कैप प्लस, इसके बाद होगा यहाँ पे मेरा टू प्लस टू जे कैप प्लस फाइव माइनस वन के कैप। आया समझ में? यानी हमारा ये हो गया कितना, टू आई कैप फोर जे कैप फोर के कैप। तो ये हमारी वैल्यू आ गई बेटा सी डी की। आया समझ में? ये चीज आपको क्लियर हो गई, जो हमारी सी डी की वैल्यू ए बी एंड सी डी है वो क्या है, पहले होंगे कैसे, ए बी वेक्टर पैरेलल टू सी डी वेक्टर। केवल मेरा साइन ही का तो इफेक्ट है बेटा, अगर हम क्या करें माइनस का साइन कॉमन कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, सी डी भी ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो लाइन में हमारा कोई भी माइनस प्लस का साइन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी ये लाइनें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। केवल साइन क्या बताता है, मेरी डायरेक्शन बताता है कि हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। मैंने पहले 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, मेरा टू कॉपी इसी के तरह है। तो मैंने बेहतर आपको ये समझा कि हमें 12 नंबर क्वेश्चन बताना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट सारे गिवेन आउट हैं और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ड्रॉप है। थोड़ा सा इसे समझने की बात है, बस क्वेश्चन मेरा टू कॉपी वही है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप वो क्वेश्चन आप फर्स्ट फैसिलिटी पे लगाएंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट टू कॉमा वन कॉमा वन, ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट थ्री कॉमा फाइव कॉमा माइनस वन एंड फोर कॉमा थ्री माइनस का वन। चीज क्लियर हो गई? यानी हमारे क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं और हमें थ्री पॉइंट्स गिवेन आउट हैं, यानी थ्री गिवेन आउट हैं। तो अब ये कह रहा है कि हमारा जो ओरिजिन से क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, मेरी ओरिजिन से हो रही, यानी ओरिजिन का मीन्स थ्री डी में क्या होगा, जीरो कॉमा जीरो, यही तो होगा मीन्स। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ए पॉइंट हो गया, क्या हो गया, ए पॉइंट होगा, यानी इसको हम लेक्ट कर लेंगे ए पॉइंट जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। बी पॉइंट हमारा क्या होगा, बी पॉइंट होगा टू वन एंड वन, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, सी पॉइंट होगा थ्री कॉमा फाइव कॉमा माइनस वन एंड फोर थ्री वन, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे ए बी एंड सी एंड डी के। तो हमें पेपेंडिकुलर में क्या कंडीशन होती है, पेपेंडिकुलर की जो हमें कंडीशन होती है वो बेटा हमारी ये होती है कि ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। क्या होगा, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो के होगा।
तो ए बी बेटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम तुमसे ए बी वेक्टर पूछें तो क्या करोगे, 2 यानी एस टू माइनस एक्स वन यानी 2 माइनस जीरो करेंगे क्या आएगा, 2 आई कैप, यही तो आएगा, प्लस इसमें आएगा मेरा क्या, जे कैप प्लस का के कैप, आया समझ में। इसी तरह हम बात करेंगे सी डी की, तो बेटा सी डी हमारा जो होगा वो क्या होगा, 4 माइनस 3 यानी 1 आई कैप प्लस, इसमें होगा 3 माइनस 5 यानी क्या होगा, माइनस का 2 जे कैप, ठीक है, इसमें होगा माइनस का 1 एंड प्लस का 1 यानी 0 हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 0, तो यानी आएगा सी डी आएगा आई कैप माइनस का 2 जे, आया समय में, यहां तक आपको कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। अब हम ए बी डॉट सी डी निकालें, तो ए बी डॉट सी डी होगा आई माइनस टू जे, सॉरी टू आई प्लस जे प्लस के डॉट, यहां पे होगा आई माइनस टू जे, तो आई के साथ कोफिशिएंट होगा यानी क्या होगा, टू, यहां पे होगा मेरा माइनस का 2 यानी फाइनली आ जाएगा 0। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड गिवेन पॉइंट्स आर क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, हेंस प्रूव्ड हुआ कि जो गिवेन और पॉइंट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हेंस। अब मेरा 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू ए कॉमा बी कॉमा सी एंड बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए एंड ए माइनस बी, ठीक है, क्या दिए हुए हैं हमें, क्या दिए हैं, डायरेक्शन रेशियो दिए हैं जो आपस में प्रोपोर्शनल टू हैं, हमें क्या बताना है, एंगल बताना है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एंड उसकी मदद से हम बताएंगे कि वो आपस में कितना एंगल क्रिएट करेंगे। तो एक फॉर्मूला हमारा ये था, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू अपॉन रूट में ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर रूट में ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर एंड सी टू का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बेटा हम मान लेते हैं कोई ये हमारा क्या है, ए है, ठीक है, यानी हम मान लेते हैं कोई एक्स है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू दिया है कोई ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू दिया है हमारा कितना, बी माइनस सी आई कैप प्लस सी माइनस ए जे कैप प्लस ए माइनस बी के कैप, आया समझ में। अब हम इसमें फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो क्या बनेगा, ए वन के प्लेस में कितना है मेरा ए है एंड ए टू के प्लेस में कितना है बी माइनस सी है, आया समझ में, प्लस बी वन के प्लेस में मेरा बी है एंड बी टू के प्लेस में मेरा है सी माइनस का ए है प्लस एंड सी वन के प्लेस में कितना है सी है एंड सी टू के प्लेस में ए माइनस का बी, आया समझ में, अपॉन क्या है अपॉन। अब हमारे रूट में क्या होगा, रूट में ए वन का स्क्वायर यानी ए वन बी वन बी सी का स्क्वायर, आया समझ में। अब हम बात करेंगे इसकी, यानी क्या होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए बी माइनस का ए सी प्लस बी सी माइनस का ए बी प्लस सी ए प्लस का माइनस का क्या आएगा बी सी, ठीक है, तो ये बी सी से ये बी सी कैंसिल, ये ए सी से
ये ए सी कैंसिल एंड ये ए बी सी, ये ए बी कैंसिल अपॉन अपॉन में हमारा आया वही रहेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरा दो बार हो गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बेटा हमारा जीरो अपॉन जब किसी वैल्यू आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यानी हमें थीटा इज इक्वल टू क्या आ गई, पाई बाई टू, क्योंकि हमारे कॉस में किसकी वैल्यू जीरो होती है, कॉस 90 की, तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई बाई टू। तो दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आए, यानी मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस थे वो मैंने कम्प्लीटली इस वीडियो पे कर दिए। तो आपको क्या करना है, बड़े आसानी से क्वेश्चन को समझना है और बड़े ईजली से अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। तो आज क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।